देवरिया कलेक्ट्रेट स्थित कार्य कक्ष में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी, जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, सावित्री राय अध्यक्ष, दा शून्य वीरेंद्र मणि त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा एजेंडावार समीक्षा कराते हुए यह बताया गया कि बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय बाल गृह बालक देवरिया में संचालित है। इसमें 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य है। बाल कल्याण समिति का कार्यकाल जुलाई 2024 में 03 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत निदेशालय के द्वारा नवीन बाल कल्याण समिति के चयन होने तक इनकी सेवाएं विस्तार कर दी गई है। बैठक में माह अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए बच्चों की संख्या में बताया गया कि कुल 262 बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए एवं 256 बच्चों के प्रकरण को निस्तारित कर उनके परिवार में पुनर्वासित कराया गया। अवशेष 06 बच्चों में से 03 बालिका राजकीय बाल गृह बालिका बलिया, 02 बालक राजकीय बाल गृह बालक देवरिया एवं 01 शिशु एशियन सहयोगी संस्थान गोरखपुर में आवासित कराया गया है। लंबित प्रकरण हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि लंबित प्रकरणों को परीक्षण कर पूर्ण विवरण के साथ पुनः पत्रावली प्रस्तुत करें। समीक्षा बैठक के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा राजकीय बाल गृह बालक में संचालित बाल कल्याण समिति के कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाल कल्याण समिति को J0J0 एक्ट के प्राविधानों के अंतर्गत बच्चों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की रिपोर्ट।